स्ट्रेट अप लाइक कि मुझे शादी करनी है. मैंने इनको सीधा ये बोला था, मैं कहा आई डोंट वांट टू डेट यू, आई वांट टू मैरी यू. ही वाज लाइक कैन यू गिव मी वन सैटरडे ऑफ योर. लॉकडाउन जब हुआ था ना तो आई हैव नथिंग टू डू. मेरे को स्टार्टिंग से था मेरे को डांस सीखना है, मतलब एटलीस्ट चार पांच स्टेप आते हों कि चल जाए. तो फिर मैंने इनको डीएम किया था, मैं कहा क्योंकि इनका टिकटॉक पे और रील्स जो बनते हैं तो मैंने डांस इनका देखा था, तो वी हैव सो मेनी कॉमन फ्रेंड्स. तो फिर मैंने इनको मैसेज किया था कि आप क्लासेस लेते हैं नहीं, क्योंकि मैं लॉकडाउन में आई हैव नथिंग टू डू. तो फिर मैंने मैसेज किया, तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ ऑनलाइन क्लासेस तो देना स्टार्ट हुआ. फिर फर्स्ट टू मंथ्स में आई थिंक हमने कुछ बात ही नहीं किया, सिर्फ हमने उसके बारे में बात किया, डांस के डांस के बारे में. आपने बिल्कुल फ्लर्ट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं. नहीं, पक्का? यस. ओके, बैठे हैं, पूछ लो. कुछ नो फ्लर्टिंग? ओके, शायद यही गेम है कि बी द फ्रेंड फर्स्ट. हम फ्रेंड भी नहीं थे, मतलब नथिंग, जस्ट बात हो रहा है. मैंने वीडियो भेजा, मैंने डांस किया करके, कल इतने बजे क्लास, दैट्स इट. ओके, कोई मैसेज था. एक दिन मैं रात को बैठा था तो आई जस्ट मैसेज, मैं आई वांट टू आस्क यू समथिंग. मैं कहता लॉकडाउन चल रहा है एंड इन एवरीथिंग व्हाई यू सो हैप्पी, इन एवरीथिंग यू व्हाई यू सो हैप्पी. तो वहाँ से फिर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बात, वहाँ से फिर बात स्टार्ट हुई. एंड देन आई लाइक हर वाइब्स, लाइक कि यार सेल्फ मेड वुमेन है, जैसे मैं हूँ वैसे ये हैं. एंड इनको ये ऐसे हैं कि अगर इन्होंने 5-6 घंटा डांस नहीं किया, 2 घंटा जिम नहीं किया, फिर अपना किक बॉक्सिंग नहीं किया, तो इनका दिन खत्म ही नहीं होता. तो फिर वहाँ से फिर मैंने हुआ, तो देन आई लाइक यार आई रियली लाइक, देन आई टोल्ड माई मॉम डैड कि ऐसे ऐसे हैं, तो उनको भी लगा रहे. अच्छा, तो फिर करके फिर मैंने इनको सीधा ये बोला था, मैं आई डोंट वांट टू डेट यू, आई वांट टू मैरी यू. मैंने सीधा ये बोला था, मैं आई डोंट वांट टू डेट यू, मैं को टाइम वेस्ट नहीं करना. रिस्पेक्ट. देन शी विल कम ऑन स्क्रीन व्हाट फॉर जस्ट लाइक अ मिनट इफ यू आर कंफर्टेबल. ओके मैन, कम तो धनश्री, हमारे भाई के बारे में आपको क्या अट्रैक्टिव लगा? ही इज वेरी, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग. एंड मुझे तो पता भी नहीं था, बिकॉज मैं पहले से क्रिकेट तो देखती थी एंड आई लव स्पोर्ट्स. एंड मैंने जब क्रिकेट देखना बंद किया तब उन्होंने आई थिंक इंडिया के लिए डेब्यू किया. तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज जब उन्होंने मैसेज किया कि उनको डांस क्लासेस स्टार्ट करना है, तो आई हैड नो क्लू हु यूजी चहल वॉज. डिसेंसी इज वॉट आई लव्ड अबाउट हिम. भाई की गेम इज डिसेंसी. That was the I mean game the way as a student वो जो थे मेरे साथ, as a friend वो जो थे मेरे साथ, and the direct approach, कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता. You know, I feel everyone, बहुत easy हो गया है सबके लिए options explore करना life में, socially लोगों से और मिलना, like there is no limit, मिलना है और लोगों से मिलना है और ये कि नहीं, ये कि नहीं. He was straight up like कि मुझे शादी करनी है. And I was like, yeah. मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं था कि मुझे शादी करनी है या कोई प्रेशर था. लव्ड वर्किंग, वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, सब अच्छे से चल रहा है, अच्छे दोस्त हैं. फिर मैं आ गया. इन्होंने पहली बार फ्लर्ट कैसे किया? सो उन्होंने मुझे पूछा कि यार लॉकडाउन में भी तुम काम कर रही हो? सो आई वाज लाइक हां, आई हैव टू बी बिजी, यू नो आई यूज्ड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, ये वो, या खुद के वीडियोज बनानी है या कुछ, यू नो, क्रिएटिव काम कर लिया. तो आई वाज लाइक नहीं, सैटरडे मैं दोस्तों के साथ बैठती हूँ, हम वर्चुअली मिलते हैं एंड देन यू नो वी लाइक टॉक एंड यू नो अनवाइंड. So he was like, can you give me one Saturday of yours? I was like, oh. And then I told my mom ki aisa hai. To meri mom ka pehla reaction to aisa tha, knowing me. Gaya student.